नमस्कार दोस्तों, लिटिल कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसा पनीर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिया 1 लीटर का दूध, तो आप गाय या भैंस का किसी का भी दूध ले सकते हैं, फ्रेश ले ताकि अच्छे पनीर के लिए। यहाँ पे हमने ऑन कर दिया है इंडक्शन को। एक चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि मिल्क बाय प्रोडक्ट की पूरी एक सीरीज आने वाली है इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपके इसे जुड़े हुए 3-4 टिप्स, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही आपका पनीर बनेगा। तो बीच बीच में इसको आप चलाते रहना है और इसको तब तक उबालना है जब तक एक उबाल ना आ जाए। अब यहाँ पे उबाल आना शुरू हो गया, बंद कर देता हूँ इंडक्शन को। अब इसको हम छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा आने के लिए। यहाँ पे मैं विनेगर का यूज़ कर रहा हूँ दूध फाड़ने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक स्पून और एक कटोरी लिया है और इस स्पून से मैंने लिया है 3 स्पून पानी और 1 स्पून विनेगर। और जो पानी लिया है थोड़ा सा हमने गुनगुना लिया है ताकि हम दूध गर्म है तो हम गुनगुना ही मिलाएंगे। तो चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे करके दूध में ऐड करते जाएंगे और जो एक करछी या तो स्पैचुला की मदद से इसको हम हल्के हाथ से चलाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध फटना अभी शुरू हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम और बचा हुआ जो पानी है वो मिला लेते हैं। कई बार क्या होता है, सारे पानी मिलाने के बाद भी हमारा दूध सही से नहीं फटता है, तो इस केस में आप क्या करें, थोड़ा और पानी ले लें और थोड़ा और विनेगर मिला के फिर से चला लीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं अभी भी ये सही से नहीं फटा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा विनेगर और यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छे से फट जाए। आप देखिए, तो इस तरीके से आपको भी दूध को फाड़ लेना है। जब तक ये नहीं है तब तक आपको थोड़ा पानी और विनेगर मिलाते रहना है और इसको 2-3 मिनट के लिए और छोड़ दें। अब शुरू होता है हमारा दूसरा प्रोसेस। तो दूसरे प्रोसेस में सबसे पहले हम लिए एक छन्नी और एक मलमल का कपड़ा। तो अब हम ये पूरा पानी और पनीर को दूसरे वाले में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर धीरे धीरे करके कपड़े को पकड़ के हाथ से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको उसके अंदर निकाल ले लेंगे और उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं और जितने भी एक्स्ट्रा पानी है हम इसको प्रेस करके पानी निकाल दे रहे हैं ताकि पनीर सेट होने में टाइम कम लगे। ऐसे करके आपको भी इसके अंदर जो पानी है प्रेस करके हाथ की मदद से आपको निकाल लेना है। उसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में हमने एक लिया है प्लेट और प्लेट के अंदर आपको इसको रखना है। उसके बाद इसके ऊपर 2-4 किलो का वेट डालना है। मैं यहाँ बेलन या चकली का यूज कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप 2-3 किलो का वेट डाल दें। आप चाहें तो इसको आपके जो किचन का ग्रेनाइट फ्लोर है जिसमें आप रोटी वगैरह बेलते हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे 3.5 घंटा हो चुका है, तो देखते हैं कैसे पनीर सेट हुआ है। तो देखिए कितना बढ़िया पनीर बिल्कुल सेट हुआ है। अब ये बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए, बट हम इसको यहाँ अभी यूज नहीं करेंगे। इसको और बेहतर बनाने के लिए हम इसको 1-1.5 घंटा फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे ताकि और अच्छे सेट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे 1.5 घंटा हो चुका है, हमने निकाल लिया इसको फ्रीज से। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ में जब भी आप इसको फ्रीज से निकालें और खाने के लिए यूज़ करें उससे पहले आप नॉर्मल पानी से डाल दें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। यहाँ पे पनीर बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे बना हुआ है, तो मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं एक चाकू की मदद से इसको काट लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे बने। देखिए कितना अच्छा बना है पनीर और कितना चिकना भी बना है। तो ऐसा पनीर बनाने के लिए आपको 3-4 जो टिप्स है उसको फॉलो करना है, तो मैं एक एक बताऊंगा। अभी फुल क्रीम दूध यूज करेगा या वेश का। पनीर फाड़ने के लिए हमेशा आप गर्म पानी के साथ ही विनेगर या तो नींबू का रस प्रयोग करें। पनीर सेट होने के बाद 1-1.5 घंटा के लिए फ्रिज में इसको ज़रूर रखें
तो ये थी कुछ टिप्स, अगले वीडियो में देखेंगे पनीर मसाला जो कि बनाया